जान दे दूंगा अदि ना कैडर ये तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्म अल्लूडू अदूर्स और रेड फिल्म के शुरुआती 3 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और साथ ही साथ बात करेंगे पिछले हफ्ते रिलीज हुई फिल्म क्रैक के शुरुआती 8 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं अल्लूडू अदूर्स फिल्म के बारे में। तो दोस्तों आपको बता दें कि अल्लूडू अदूर्स जो कि एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिस फिल्म को डायरेक्ट किया है संतोष श्रीनिवास ने और इस फिल्म में हमें देखने को मिल रहे हैं साई श्रीनिवास बेलमकोंडा और इस फिल्म की लीडिंग लेडी है नवाज नीतेश। और बात करें इस फिल्म के कलेक्शन की तो दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडिया से नेट कलेक्शन किया था लगभग 3,97,00,000 रुपए का, वहीं इस फिल्म के दूसरे दिन का कलेक्शन रहा लगभग 2,06,00,000 रुपए। और दोस्तों इसी के साथ इस फिल्म का शुरुआती 2 दिनों का इंडिया से नेट कलेक्शन होता है लगभग 6,03,00,000 रुपए। और दोस्तों वहीं बात करें इस फिल्म के तीसरे दिन के कलेक्शन की तो दोस्तों आपको बता दें कि तीसरे दिन भी इस फिल्म को काफी अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है और जो डाटा निकल कर आया है उसके मुताबिक यह फिल्म अपने तीसरे दिन भी लगभग 2 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर रही है। और दोस्तों इसी के साथ इस फिल्म का शुरुआती 3 दिनों का इंडिया से नेट कलेक्शन होता है लगभग 8,03,00,000 रुपए का। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसी हफ्ते रिलीज हुई फिल्म रेड के शुरुआती 3 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों आपको बता दें कि रेड जो कि एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है जिस फिल्म को डायरेक्ट किया है किशोर तिरुमाला ने और इस फिल्म में हमें देखने को मिल रहे हैं एनर्जेटिक स्टार राम पोथिनेनी और इस फिल्म की लीडिंग लेडी है निवेता पैथुराज। अब दोस्तों बता दें कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन काफी अच्छी ओपनिंग की और इस फिल्म ने अपने पहले दिन लगभग कलेक्शन किया था लगभग 7,45,00,000 रुपए का। और दोस्तों वहीं इस फिल्म ने दूसरे दिन भी काफी अच्छा होल्ड बनाए रखा और इस फिल्म ने अपने दूसरे दिन लगभग 5,10,00,000 रुपए का कलेक्शन किया था। और दोस्तों इसी के साथ इस फिल्म का शुरुआती 2 दिनों का इंडिया का नेट कलेक्शन हो चुका था लगभग 12,55,00,000 रुपए। और दोस्तों वहीं बात करें इस फिल्म के तीसरे दिन की तो दोस्तों इस फिल्म ने तीसरे दिन भी बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा होल्ड बनाए रखा है और इस फिल्म को तीसरे दिन भी ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म को मॉर्निंग के शोज में ऑक्यूपेंसी मिली लगभग 31% की, वहीं इस फिल्म के आफ्टरनून के शोज की ऑक्यूपेंसी रही लगभग 41% की। और दोस्तों इस फिल्म के इवनिंग के शोज की ऑक्यूपेंसी में थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिली जहां इस फिल्म के इवनिंग के शोज की ऑक्यूपेंसी रही लगभग 54% की। और दोस्तों अभी तक जो डाटा सामने निकल कर आया है उसके मुताबिक यह फिल्म अपने तीसरे दिन भी लगभग 4 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन कर रही है। और दोस्तों इसी के साथ इस फिल्म का शुरुआती 3 दिनों का इंडिया का नेट कलेक्शन होता है लगभग 16,55,00,000 रुपए। और दोस्तों यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हो चुकी है हिट। अब दोस्तों बात करें पिछले हफ्ते रिलीज हुई फिल्म क्रैक के शुरुआती 8 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। बता दें दोस्तों कि क्रैक एक मसाला एंटरटेनर फिल्म है जिस फिल्म को डायरेक्ट किया है गोपीचंद मालिनी ने और इस फिल्म में हमें देखने को मिल रहे हैं रवि तेजा और साथ ही साथ श्रुति हसन। अब दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म ने अपने शुरुआती 1 हफ्ते में लगभग इंडिया से कलेक्शन किया था 28,05,00,000 रुपए का। और दोस्तों बात करें इस फिल्म का 8वें दिन के कलेक्शन की तो दोस्तों आपको बता दें कि यह फिल्म 8वें दिन भी शनिवार होने की वजह से काफी अच्छा कलेक्शन कर रही है। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म को शुरुआती मॉर्निंग के शोज में ऑक्यूपेंसी देखने को मिली लगभग 67% की, वहीं इस फिल्म के आफ्टरनून की ऑक्यूपेंसी रही लगभग 82% की। और दोस्तों इस फिल्म के इवनिंग के शोज में थोड़ी सी ऑक्यूपेंसी में ग्रोथ देखने को मिली और इस फिल्म के इवनिंग के शोज की ऑक्यूपेंसी रही लगभग 88% की। और दोस्तों इसी के साथ यह फिल्म अपने 8वें दिन भी लगभग 3 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर रही है। और दोस्तों इसी के साथ इस फिल्म का शुरुआती 8 दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन होता है लगभग 31,05,00,000 रुपए का। और दोस्तों आपको बता दें कि यह फिल्म हो चुकी है सुपर हिट। और दोस्तों अगर आपने ये फिल्म देखी तो आपको ये फिल्म कैसी लगी हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको साउथ और बॉलीवुड की लेटेस्ट मूवीज़ के डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जानने को मिलते रहते हैं। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए आपके और हमारे इस चैनल को। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।